नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि दूर संचार विभाग में आ चुकी है नई भर्ती। जी हां दोस्तों, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नई भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है, जिसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। 25 जनवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की। तो दोस्तों आवेदन आप 25 जनवरी से पहले कर लीजिएगा और आवेदन करने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण भर्ती की जानकारी हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजाना इसी प्रकार नई भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दूर संचार विभाग भर्ती 2022 के बारे में, जिसकी नई भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है। आवेदन जो है 25 जनवरी 2022 तक चलेंगे, और दोस्तों इस भर्ती के लिए आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो भर्ती है बिल्कुल सीधी भर्ती है। तो केवल आपको यहां पर फॉर्म भरना होगा, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो आवेदन जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों सैलरी आपको मिलेगी 65,000 रुपए प्रति माह, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। और इस भर्ती के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित है वो है कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 50 वर्ष की उम्र आपकी हो चुकी है, तो आप सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों 18 से 50 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए, और आवेदन जो है संपूर्ण भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों भारत के किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं तो आप सभी लड़के और लड़कियां आवेदन कर सकते हैं। चलिए अन्य सभी जानकारी के लिए सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों अधिक जानकारी और आवेदन करने का लिंक मिलेगा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर sarkaritodaynews.com पर। दोस्तों आज ही हमारी इस वेबसाइट पर जाएं और अप्लाई करें। आप चाहें तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप गूगल में सर्च करेंगे, आप सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग में जो भर्ती निकाली जा रही है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली जा रही है। पदों की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेटर और सुपरवाइजर के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें कुल पदों की 500 है। आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। संपूर्ण भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों चयन प्रक्रिया में आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। सैलरी आपको 24,000 से 30,000 रुपए प्रतिमा मिलेगी। वहीं उम्र सीमा जो है अधिकतम 50 वर्ष है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियम अनुसार। वहीं आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए है, एससी एसटी के लिए 350 रुपए है, और पेमेंट आप सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन करना होगा किसी भी माध्यम से। वहीं योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप स्नातक पास है किसी भी विषय के अंतर्गत तो आप आवेदन कर सकते हैं। 25 जनवरी 2022 की लास्ट डेट है। ये रहा आवेदन करने का लिंक और ये रहा नोटिफिकेशन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।